दोस्तों चलिए पहले इसको सुनते हैं। आलू भैया गोल मटोल बैठे रहते थे ठंडे से बोल, कहते थे मैं हूँ भारी, सब्जी की शान बड़ी न्यारी, टमाटर रानी लाल गुलाब, हंसते हंसते करती कबाब, कहती मैं हूँ रस भरी, सबको देती चटपट। तो देखा आपने कितना बेहतरीन है ये हमारा 2D एनिमेशन में ये चाइल्ड सॉन्ग, चाइल्ड पोयम जिसको कह सकते हैं, वो तैयार हो चुका है और बिल्कुल पूरी तरह से AI से तैयार है। और इस तरह के जो पोयम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आते हैं और उसमें अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं YouTube पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक पोयम में 303 मिलियन व्यू है। आप नीचे जाएंगे ये देखिए 256 मिलियन, 627 मिलियन, 62 मिलियन, व्यूज़ की कमी नहीं है, 2.2 बिलियन, 326 मिलियन। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का अर्निंग इस तरह के चैनल करते होंगे। तो अगर आप इस तरह के चैनल बनाना चाहते हैं और घर बैठे अर्निंग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल AI से पॉसिबल है और आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इसको सीखते हैं। दोस्तों चलिए सीखते हैं बच्चों के पोएम्स कैसे हमें क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी और आप चले जाएंगे ChatGPT पे। जी हाँ, यहाँ पे जाके आपको पोएम की स्क्रिप्ट लिखनी है। तो चलिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या स्क्रिप्ट लिखेंगे, राइट अ हिंदी पोएम। क्या लिखेंगे, राइट अ हिंदी पोएम फॉर किड्स इन विच वी विल इंक्लूड कैरेक्टर्स लाइक पोटैटो एंड टोमैटो। ओके चलिए अब इसको हम लिखते हैं और ये आपको लिख कर दे देगा एक स्क्रिप्ट। तो देखा आपने, यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट मिल गया। आलू भैया गोल मटोल बैठे रहते थे ठंडे से बोल, कहते थे मैं हूँ भारी, सब्जी की शान बड़ी न्यारी, टमाटर रानी लाल गुलाब, हंसते हंसते करती कबाब, कहती मैं हूँ रस भरी, सबको देती चटपटी करी, आलू बोले भाई अब सुन, संग मिलकर बनाए धुन, तुम हो खट्टी मैं हूँ सादा, साथ हमारा सबको भाए ज़्यादा। तो ये पूरा स्क्रिप्ट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि जो स्क्रिप्ट है, जो हमारा पोयम है, उससे रिलेटेड हमें इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए ताकि हम इमेज क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, गिव अस एप्रोप्रिएट इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर द पोयम अवब, इमेजेस शुड बी क्लियर एंड 4K। चलिए अब हमें इमेज प्रॉम्प्ट यहां से मिल जाएगा क्योंकि हमें पूरी तरह से इसको AI से जनरेट करना है। जी हाँ, AI से हम जनरेट करेंगे और इमेज के बाद हम उसका वीडियो कन्वर्ट करेंगे और हमारा पोयम कैसे तैयार होगा, हमें उसको कैसे म्यूजिक के साथ कन्वर्ट करना है वो भी हम आगे सीखेंगे। तो जब तक ये इमेज का प्रॉम्प्ट हमें देता है तब तक हम अपने पोयम को कन्वर्ट कर लेते हैं गाने में। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे suno.com पे। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और चले जाते हैं suno.com। यहाँ पर आकर आप साइन अप कर लेंगे, गूगल से आप लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, क्रिएट पे चलते हैं। यहाँ पे हम गूगल से लॉग इन कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो आप क्रिएट में आ जाएंगे और यहाँ पे कस्टम अगर बंद है तो कस्टम कर लेंगे। यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट डाल देंगे और नीचे डालेंगे पोएट्री किड पोएम। ओके, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इसका टाइटल दे देंगे। मान लीजिए आलू में टाइटल दे देता हूँ और कर देंगे क्रिएट। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए दो वर्जन में पोएम क्रिएट हो जाएगा। चलिए तब तक देख लेते हैं। ये देखिए इमेज प्रॉम्प्ट आपको ये मिल रहा है, तो इमेज प्रॉम्प्ट इसको लिखने दे, तब तक हम अपने सॉन्ग पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ से आपको ये गाना मिल जाता है। चलिए इसको सुनते हैं कि किस तरह का इसने क्रिएट किया है। ओके, शान बड़ी न्यारी, टमाटर रानी लाल गुलाब, हंसते हंसते करती कबाब, कहती
प्यास भरी सबको देती चटपटी करे। तो देखा आपने कितनी बेहतरीन हमें यहाँ से ये म्यूजिक मिल गया है। हमारा जो पोयम था वो कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको जब ये पूरा हो जाए तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो एक बार ये पूरा हो जाता है तब तक हम स्क्रिप्ट देखते हैं। चलिए यहाँ से ये पूरा हो चुका है तो हम लोग डाउनलोड करेंगे और कर लेंगे ऑडियो। ठीक है, तो हमारा ऑडियो डाउनलोड हो जाएगा, सेव। अब हम आ चुके हैं अपने इमेज प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 5 प्रॉम्प्ट मिला है, तो आपको ये पूरा गाना बनाने के लिए और भी प्रॉम्प्ट्स की जरूरत होगी। मैं 5 प्रॉम्प्ट के साथ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे बनाना है। और आप इसको और भी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिव मी, यहाँ पे आप देख सकते हैं माई पोयम इज अराउंड 2 मिनट्स लॉन्ग, सो गिव मी इमेज प्रॉम्प्ट एज पर द टाइमिंग्स। ओके, और आपको अलग से बहुत सारे इमेज प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमें इमेज प्रॉम्प्ट मिल चुका है, हम क्या करेंगे, इमेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हम जाएंगे इमेज क्रिएटर। आप जाकर सर्च करेंगे कोपायलट इमेज क्रिएशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री AI इमेज क्रिएटर आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे और अपने इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे आपका इमेज तैयार हो जाएगा। तो एक बार इमेज तैयार हो जाता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका इमेज यहाँ पे तैयार हो चुका है, ये मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इसको ले लूँगा। आप यहाँ पे साइज़ दे सकते हैं, साइज़ आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। कहाँ डाउनलोड हुआ चलिए देख लेते हैं, ये डाउनलोड्स में ही डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो ये पहला आ गया। आप चाहें तो बाकी सबको भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इमेज आ सके। ओके, ताकि आपका गाना पूरा हो जाए। ठीक है, अब दूसरा जो इमेज प्रॉम्प्ट था चलिए उसको देख लेते हैं। तो इस तरह से आप सारा क्रिएट कर लेंगे। तो एक बार क्रिएट हो जाए उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए सीन 1 के लिए इंट्रोडक्शन टू पोटैटो, इंट्रोडक्शन टू टोमेटो, ये देखिए 20 सेकंड, ये इसने पूरा सीन के हिसाब से आपको ये दे रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आपको अलग अलग प्रॉम्प्ट्स दे रहा है टाइमिंग के हिसाब से कि यहाँ पे किस में ये प्रॉम्प्ट यूज़ करना है। तो देखा आपने, आपको ये पूरा 6 प्रॉम्प्ट दे देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना अच्छा यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखेंगे उतना अच्छा आपको ये मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं वापस इमेज पे। तो यहाँ पे आप सारा जो भी इमेज है उसको डाउनलोड कर लें। ओके, 2 हो गया, अब मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारे इमेजेस जो हैं वो बनाकर डाउनलोड कर लिए हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे इमेजेज हैं। ओके, तो हमारे पास करीबन 20 इमेज आ चुके हैं क्योंकि हमारे पास 5 प्रॉम्प्ट था और 5ों का मैंने 4 इमेज डाउनलोड कर लिया। तो 20 इमेज आ चुके हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा वीडियो में। और उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हमारे पास AI वेबसाइट है जो कि है, ये देखिए इसका नाम है पिक्सवर्स। आप जाएंगे पिक्स PIXVERSE.AI पिक्सवर्स, वहाँ पर आप अपने गूगल से लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको इमेजेस, चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आप इमेज को डाल देंगे, तो सबसे पहला जो हमारा इमेज है मैं उसको डाल देता हूँ, ये हमारा सबसे पहला इमेज है। और यहाँ पे हमारा स्टोरी क्या है, चलिए यहाँ पे स्टोरी अगर आप देखते हैं तो आलू भैया गोल मटोल बैठे रहते ठंडे से बोल, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कर दूंगा टाइप हेयर एंड लेट द मैजिक बिगिन। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पोटैटो सिंगिंग। ओके, और यहाँ से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं
वीडियो इज जनरेटिंग, तो एक बार जनरेट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये प्ले हो रहा है। ओके, और हमारा वीडियो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह आप सारे इमेजेस का वीडियो क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। तो दोस्तों मैंने 5 जो प्रॉम्प्ट था, 5 का इमेज तैयार कर लिया है। आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, और देखिए ये एक्चुअली फ्री में है, बट अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो आप इसको पेड भी ले सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेज यहाँ पर क्रिएट कर सकें। अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे कोई भी वीडियो एडिटर पर, जैसे कि मेरे पास फिल्मोरा है, मैं फिल्मोरा पर जा रहा हूँ, या फिर आप कैपकट पर भी जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए फिल्मोरा पर चलते हैं और एडिट करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे अपने साउंड को, और साथ ही साथ जो हमने क्रिएट किया है ये हमारा, और इसके साथ हमारा जो साउंड है पोयम। ओके, तो सबसे नीचे आप ये देखिए आपका पोयम, आप इसको जो भी इमेजेस है उसमें से आप पिक्स वर्ड्स जो है उसको आप हटा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका ये जो है, ये लास्ट है, सबसे पहले आपका ये इमेज है। ओके, उसके बाद ये इमेज है, उसके बाद आपका ये है, उसके बाद आपका ये है। ओके, और यहाँ से आप साउंड ले लेंगे। आप अपने जो वीडियो आपने तैयार किया है उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे अगर इसको आप बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये वीडियो है, तो इसको आप यहाँ पे बार बार डाल भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आपका जो पोयम हो वो बड़ा हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा इमेज प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आपका पोयम 2 मिनट का है तो उसके हिसाब से आपको इमेजेस चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस पर आप एनिमेशन जो भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। अब ये जो पिक्स वर्स है, ये आप एक साथ सेलेक्ट करके अगर मैं देखता हूँ कि ये हटता है या नहीं। चलिए आप एक एक करके सबको हटा देंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब जहां से सॉन्ग शुरू हो रहा है, देखिए आलू भैया गोल मटोल बैठे रहते थे ठंडे से बोल, कहते थे मैं हूं भारी, सब्जी की शान बड़ी न्यारी। देखिए, तो यहाँ तक आपको आलू का ही डालना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको एडिट करना पड़ेगा, ताकि ठीक है, टमाटर लाल गुलाब हंसते हंसते करती कबाब, कहती मैं हूं रस भरी, सबको देती चटपटी करे। अब जैसे जहाँ से शुरू हो रहा आलू भाई अब सुन, तो यहाँ से आप इसको कट करके आप अपने स्क्रिप्ट के अनुसार इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, टमाटर ने मुस्कान दिखाई, बोली तुमसे है दोस्ती निभाई, जब जब तुम तंग पकूं मैं खुशियां हर थाली में लाऊं मैं। आलू और टमाटर की जोड़ी हर खाने में हो गई थी ठोरी, मिलकर सबका दिल जीता, बन गए सब्जी के सितारा रीता,
बच्चों ने ये बात सिखाई, दोस्ती से सबने मजा पाई। आलू टमाटर की प्यारी कथा सुनकर सबके मन में उठा हंसी का लहराता झोंका। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ ताकि मैं इसको, चलिए ये मैं डिलीट कर दूंगा पीछे से। आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा, आप यहाँ पे एनिमेशन डाल सकते हैं, आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप किस तरह से इसको एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से करूँगा क्रिएट वीडियो और MP4 माई वीडियो एक्सपोर्ट। तो इस तरह से हमारा पूरा पोयम बन जाएगा। इसको आप YouTube चैनल पर डालेंगे और वहां पे आप इसको, इसका जो टाइटल है अपने हिसाब से डालेंगे, थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे व्यूज आएंगे और आप यहाँ से इसको मोनेटाइज करके आप अर्निंग जनरेट करेंगे। तो ये पूरा तरीका था AI से क्रिएट करने का चाइल्ड पोयम, जिसपे कि बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं और आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और घर घर बैठे अर्निंग की शुरुआत करेंगे। देखिए ये हमारा हो चुका है, चलिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूं। आलू भैया गोल मटोल बैठे रहते थे ठंडे से बोल, कहते थे मैं हूं भाग। तो देखा आपने बिल्कुल मस्त तैयार हो चुका है, तो इसको इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप घर बैठे अर्निंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो हमारा 3 घंटे का, जी हाँ 3 घंटे का हमारा वर्कशॉप है। चलिए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 2D एनिमेशन का वर्कशॉप है, जो आपने सीखा है वो आप इससे बना सकते हैं। बट अगर आप ह्यूमन बेस्ड एनिमेशन बनाना चाहते हैं, 2D एनिमेशन इस तरह के कार्टून, तो हमारा 3 घंटे का वर्कशॉप है जो कि है 24 सितंबर को 3 बजे। यहाँ से आप बटन है इनरोल करेंगे, इसमें आपको पूरा 2D कार्टून एनिमेशन सिखाया जाता है, कैसे स्टोरी लेना, कैसे वॉइस ओवर करना, कैसे एनिमेशन करना और कैसे YouTube चैनल बना के डालना, सारा कुछ सिखाया जाता है। 3 घंटे लाइव में आप इंटरेक्ट करते हैं, अपने सवालों को पूछते हैं और सीखने के बाद आप 2D कार्टून एनिमेशन के चैनल बना सकते हैं, राइम्स के बना सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइव मिस हो जाए तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाता है, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो ये जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मिस ना करें, आज ही इनरोल करें और हम लोग मिलेंगे वर्कशॉप के अंदर। तो आई थिंक आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, इंप्लीमेंट करें और घर बैठे अर्निंग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, आपको सिखाऊं कैसे ऑनलाइन अर्निंग करनी है अलग अलग तरीके से। तो कल के ख्याल रखें, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।